हेलो बच्चों, तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने रेसिप्रोकल इनक्वालिटी के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम इनक्वालिटी में रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास कल दोनों तरफ उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगी होती थी, बट इस केस में क्या हुआ कि सिर्फ एक ही साइड रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड हम खुद से रिस्ट्रिक्शन लगा लेंगे कि अगर ये लेस देन 2 है तो ग्रेटर होगा पक्का माइनस इन्फिनिटी से। अब देखिए, हमारे को x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से मेरे को फिर से इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको ब्रेक करेंगे हम यहाँ से, माइनस इन्फिनिटी लेस देन 1/x और यहाँ पर आ जाएगा लेस देन 0। या तो 1/x इसमें लाई करेगा या फिर जो ये 1/x है वो ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 2 होगा। अब फिर से देखिए, हमारे पास अब क्या हुआ कि दोनों तरफ नेगेटिव साइन है यहाँ पे और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो हम अब रेसिप्रोकल इनक्वालिटी है वो लगा सकते हैं। तो अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा माइन बाय माइनस इन्फिनिटी ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन, और 1/x 0 के नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर हम नेगेटिव डाल देंगे। तो ध्यान से देखिए, 1/-infinity, 1/-infinity क्या होता है 0, और 1/-infinity भी हमारे पास 0 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब 1/0 नेगेटिव हमारे पास होता है माइनस इन्फिनिटी, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/x 0 से पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है तो पॉजिटिव, और हमारे जो साइंस हैं उनको रिवर्स कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कि x ग्रेटर है माइनस इन्फिनिटी से, मीन्स जो x है हमारे पास वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से और 0 तक जाएगा। यूनियन यहाँ पे आ जाएगा कि ग्रेटर है 1/2 से, ये 1/0 पॉजिटिव हमारे पास इन्फिनिटी बन जाएगा और ये बन जाएगा इन्फिनिटी तक, और दोनों तरफ आ जाएंगे हमारे पास ओपन। क्लियर बच्चों? तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आपके आने वाले पूरे के पूरी मेंस की, आईआईटी आप या मेंस की कर रहे हो चाहे आप एडवांस की कर रहे हो, जो ये रेसिप्रोकल इनक्वालिटी है इसका बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में आपको हर चैप्टर में यूज़ होता है ये डोमेन रेंज फंक्शंस वगैरह में, बहुत जगह हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास एक और पड़ा है कि अब की बार 1/x जो हमारे को दिया हुआ है कि वो ग्रेटर दिया हुआ है माइनस 3 से, और यहाँ पर इक्वालिटी डाल देते हैं। तो अब देखिए, फिर से हमारे पास यहाँ पे एक साइड इक्वालिटी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि अब की बार ये लेस होगा इन्फिनिटी से। तो अब की बार देखिए, हमारे को रेसिप्रोकल करना है और मेरी एक साइड कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो मैं इसको सारा का सारा नेगेटिव और एक सारी की सारी पॉजिटिव में चेंज कर लेती हैं। ये 0 यहाँ से 1/x ग्रेटर देन 0 और लेस देन इन्फिनिटी। अब हम रेसिप्रोकल लगाएंगे यहाँ से, ये आ जाएगा 1/0 नेगेटिव और 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ 0 पड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे हमारे पास 1/x उसको पॉजिटिव से अप्रोच कर रहा है और ग्रेटर हो जाएगा यहाँ पे 1/∞। तो यहाँ से बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास कि जो -1/3 होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ये माइनस इन्फिनिटी, 1/0 पॉजिटिव जो होता है हमारे पास वो इन्फिनिटी होता है, और 1/∞ जो होता है वो 0। तो यहाँ से हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा कि जो x है हमारे पास वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -1/3 यहाँ पर क्लोज्ड, फिर यूनियन 0, ∞ के बीच में। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका सलूशन। तो बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको रेसिप्रोकल इनक्वालिटी जो है वो अच्छे से आनी चाहिए, ठीक। तो अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं इसी पे। अब जैसे हमारे को क्वेश्चन करना है उसमें हम करते हैं कि 1/(x-2) जो है वो लेस देन है 5 से। तो अब देखिए, फिर से जो ये है हमारे पास एक साइड इनक्वालिटी पड़ी है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/(x-2) लेस है 5 से और ग्रेटर है माइनस इन्फिनिटी से। और बच्चों इस तरह की इनक्वालिटी को आप वेवी को मेथड से भी कर सकते हो, बट हमारे को रेसिप्रोकल इनक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सीखना है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को जो है हम
रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी के साथ कर रहे हैं, वरना वेवी कर्व से इसका सलूशन है वो काफ़ी इजी आ जाएगा, वो भी हम करेंगे। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 - ∞ > x - 2, और ये नेगेटिव से अप्रोच कर रहा था तो ये 0 - इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - ∞ > x - 2, और ग्रेटर हो जाएगा यहाँ से 1/5। तो 1 - ∞ होता है 0 > x - 2। अब 1/0 नेगेटिव जो होता है बच्चों हमारे पास, वो बन जाएगा -∞। अब x - 2 है बट मेरे को तो कह रहा x चाहिए, तो दोनों तरफ अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा x, और -2 में -∞ में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये। अब 1/0 इन्फिनिटी होता है, ये हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। अब 2 ऐड करेंगे, हमारे को x चाहिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 1/5 + 2। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा कि जो x है हमारे पास वो -∞ से लेके 2 तक बिलोंग कर रहा है, दैट इज़ -∞ से 2 तक जाएंगे, और यूनियन आएगा बीच में 1/5 - 2, ये बन जाएगा 5 × 2 = 10, 11/5 से इन्फिनिटी। तो ये आपका जो सलूशन है वो आ जाएगा कि अगर मेरे पास 1/(x - 2) हमारे को < 5 चाहिए, तो हमारे को x को क्या करना पड़ेगा, -∞ से 2 एंड 1/5 से इन्फिनिटी तक उसको इसमें लाई कराना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, डेट इज़ 2/(3x - 2) जो है वो मेरे पास स्ट्रिक्टली लेस देन पड़ा है 2 से, और यहाँ से वो ग्रेटर पड़ा है -3 से। तो बच्चों हम इसको वेवी कर्व से इजी कर सकते हैं, बट हमारे को क्या करना है, रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी के साथ करना है। तो अब फिर से मैं इसको, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो अब की बार मैं अपनी जो इनइक्वालिटी की डोमेन पड़ी है उसको जो है ब्रेक कर देंगे 0 में, ताकि वो सारी के सारी पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाए। तो देखिए अब फिर से हम वही काम करेंगे, रेसिप्रोकल लगाएंगे, तो ये बन जाएगा -1/3 > 3x - 2 / 2, और यहाँ पर अब मैं बारी बारी इसको नहीं लिखूँगा, फिर डायरेक्टली लिखेंगे, ये नेगेटिव से अप्रोच कर रहा है तो ये बन जाना था 1/0 - और वो होता है हमारे पास -∞। अब नीचे 2 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो ये बन जाएगा -2/3 > 3x - 2 - −∞। 2 अब दोनों तरफ ये पड़ा है तो दोनों तरफ हम जो है 2 को ऐड कर देते हैं, तो मेरी इनक्वालिटी, ये -∞ में 2 ऐड करेंगे तो वही रहेगा, तो ये बन जाएगा 3 × 2 = 6 - 2, तो ये बन जाएगा 4/3 > 3x - −∞। अब 3 से दोनों को डिवाइड कर दें, और 3 पॉजिटिव नंबर है, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारे पास बन जाएगा 4/9 > x - −∞। तो बच्चों ये इसका सलूशन आ जाएगा। अब इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 का करेंगे पॉजिटिव के साइड, तो 1/0 + और 1/0 + होता है हमारे पास इन्फिनिटी। इसको लिख लेते हैं एक और स्टेप, ये हो जाएगा 3x - 2/2 > 1/2। अब ये बन जाएगा हमारे पास ∞ > 3x - 2 / 2 > 1/2। 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और ये बन जाएगा 1। अब 2 ऐड करेंगे तो फिर से इन्फिनिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 2 हम इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3। अब 3 से डिवाइड कर देंगे पूरी इनइक्वालिटी को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये।
मीन्स इसका जो फाइनल सोल्यूशन आएगा हमारे पास वो ये आ जाएगा कि जो एक्स है अब की बार हमारा वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 4/9 और फिर यूनियन आ जाएगी 1, इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। अब बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। अब उस क्वेश्चन से हमारे पास जितने भी हमने लीनियर इक्वालिटी किया या ये किया वो सारा का सारा आपका एक ही क्वेश्चन में रिवाइज हो जाएगा। देखिए अब की बार यहाँ पर पड़ा है -3 < -9/6 - x। इसको 9 लिख देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा < = और ये चीज़ हमारे को इसको करा देते हैं हम 12 करा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब आपको ये चीज़ सोल्व करनी है, सोल्व फॉर x, x के बारे में सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमारे को इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा -3 < 9/6 - x और -3 यहाँ पर आ जाएगा < 0 या फिर ये जो सारी की सारी क्वांटिटी है हमारी वो यहाँ तक लाई करेगी। अब फिर से अब देखिए ये सारी की सारी नेगेटिव, ये सारी की सारी पॉजिटिव, तो हम अपनी रेसिप्रोकल इनक्वालिटी लगाएंगे तो ये बन जाएगा -1/3 > 6 - x / 9 और ग्रेटर देन ये 0 है तो 1/0 नेगेटिव मीन्स -∞। और ये हमारे पास 0 पॉजिटिव है तो 1/0 पॉजिटिव मतलब इन्फिनिटी और इसका साइन जो है हमारे पास वो रिवर्स हो जाने वाला है। अब हमारे को नीचे 9 पड़ा है तो मैं इसको 9 से जब मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड तो मेरे पास क्या आ जाएगा -9/3 मीन्स यहाँ पर -3 आ जाएगा > 6 - x और ग्रेटर हो जाएगा हमारे पास -∞। अब इसमें 6 ऐड हो रहा है तो मेरे को 6 माइनस करना पड़ेगा तो -3 - 6 दोनों तरफ -x > -∞। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास -9 > -x > अब बच्चों देखो ध्यान से, अब हमारे को यहाँ से -x है तो मेरे को तो x चाहिए तो मेरे को दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हम जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरी इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब -∞ को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसी तरह से 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ∞ > 6 - x > 9/12 और 9/12 को अगर हम कटिंग करेंगे तो वो बन जाएगा 3/4। अब यहाँ पर 6 है तो 6 को जब दोनों साइड हम माइनस करेंगे तो ये 3/4 - 6 बन जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 - 24/4 मीन्स -21/4। अब हमारे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है तो -∞ को -∞ और इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन आएगा इसका वो आ जाएगा कि x बिलोंग करेगा -∞ से लेके 21/4 यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज्ड यूनियन 9/∞। तो ये बच्चों हमारे पास इसका सोल्यूशन है वो आ जाएगा। तो होप सो बच्चों आपको ये रेसिप्रोकल इनक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ घर की प्रैक्टिस के लिए, तो उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। बच्चों मैं आपको घर के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक तो है हमारे पास कि जो -5 है वो < 1/7x + 3 < 1, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और फिर हमारे पास एक और अच्छा क्वेश्चन है वो उसको करते हैं, एक हमारे पास -2 < 1/2 - 3x + 3
फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है 4 over x plus 1 less than equal to 3 and less than equal to 6 over x plus 1। ये बेटा सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें आपका जो मेनली कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, यूनियन का, इंटरसेक्शन का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करना। और बच्चों जहाँ तक इसका आंसर आ रहा है, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ थर्ड वाले का, ये मेरे हिसाब से क्लोज 1/3, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको रेसिप्रोकल इक्वालिटी के साथ ही करेंगे तो आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट समझ में आ जाएगी कि हमारे को क्या करना है, ठीक है। और बेसिकली आपका अच्छे से काम होगा। और इसमें बेसिकली आपकी जो कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पे हमारे को इंटरसेक्शन लेनी है और कहाँ पे यूनियन लेनी है, वो पूरा का पूरा आपका इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो हमारे को इसमें मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। और बच्चों अगर आपको रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी के और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जितने आप कर सकते हो तो मैक्सिमम कीजिए। तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक दूंगा, तो उस वेबसाइट में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन की शीट मिल जाएगी। तो वहाँ से इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से ट्राई करें। और बच्चों अगर आपको पूरी की पूरी IIT JEE की मैथमेटिक्स पढ़ना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो कोर्स रहेगा हमारे पास वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, प्लस वन एंड प्लस टू का कंप्लीट। आपको इस चैनल पे मैथमेटिक्स का बेसिक से मेंस और मेंस से एडवांस तक सारा कुछ, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ आपको इस पर प्रोवाइड किया जाएगा।